पुनर्विवाह है। तसल्ली हो गई आपको? क्योंकि मैं पुलिस को लेकर नहीं आई, अब तो आपका डर दूर हो गया ना। वजह नहीं पूछेंगे आप मुझसे कि मैं पुलिस लेकर क्यों नहीं आई? वजह है सरिता, आपने जो गुनाह किया उसके लिए उसे उम्र भर सजा काटनी पड़ेगी। कोर्ट में भी वही गुनहगार साबित होगी मां। मैंने उसे सिर्फ एक सवाल किया कि मुझे परिवार या सच में से अगर किसी एक को चुनना तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने सीधे सीधे शब्दों में मुझसे कहा कि मुझे मेरे परिवार को चुनना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले जो करते हैं वो चाहे गलत क्यों ना हो, वो परिवार के लिए उनका प्यार होता है। परिवार वाले चाहे जितनी गलतियां करें हमें उन्हें माफ करना चाहिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि सरिता का दिल कितना बड़ा है। वो आप पर कोई राज नहीं आने देगी मां। मिस्टर विक्रांत कहते हैं कि यह खून उन्होंने किया है और मिसेस सरिता कहती हैं कि यह खून उन्होंने किया है। माय लॉर्ड, आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं, मगर यह बात साबित हो चुकी है कि इस खून की साजिश और उसे अंजाम देने में ये दोनों बराबर के भागीदार हैं। और मेरी आपसे अपील है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तमाम सबूतों और गवाहों के बिना रुक जाइए जज साहब, असली खूनी मैं हूं जज साहब। मैंने काजल को मारा है, मैंने मारा है, मैं गुनाहगार हूं। तुझे क्या कह रही है? मेरे पास सबूत है जज साहब। ये तू क्या कह रही है मां? तू क्या कह रही है माई? राज, मां जो कह रही वही सच है। जज साहब, मेरे पास सबूत है जो ये साबित कर देगा काजल के खून में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। ये बेगुनाह है जज साहब, मैं गुनाहगार हूं। मैंने काजल को मारा, मैंने उसका खून किया। सजा देनी तो मुझे दो जज साहब, मुझे दो सजा, मैंने खून किया उसका। अदालत में कमला देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत यह स्पष्ट करते हैं कि सरिता सूर्यवंशी और विक्रांत सूर्यवंशी दोनों निर्दोष हैं। कमला देवी ने जो किया वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किया। खून की साजिश तो काजल की थी और वो खुद अपनी साजिश का शिकार हो गई। अपनी बेटी की रक्षा के लिए कमला देवी ने जो कुछ किया वो गुनाह तो है, लेकिन उस गुनाह की वो जिम्मेदार नहीं है। ये अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है। मैं चाहती हूँ हर जन्म में तू ही मेरी माँ। कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकती है? ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। हर जन्म में कोर्ट कचहरी घुमाएगी क्या माँ? वो तो मेरे नसीब अच्छे थे, नहीं तो जेल की हवा खाती। रेडी मम्मी, स्माइल प्लीज। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया। हाँ बेटा, हम हमारा पूरा वक्त पीछे छोड़ा है, अब सब कुछ ठीक होगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें और शीला को दुनिया की सारी खुशियां मिले। मिस्टर अकड़, आप रोमांस करते हुए अच्छे नहीं लगते, झगड़ा करते हुए अच्छे लगते। अब क्या करूं, अकड़ू तो रहा नहीं, तुम्हारे प्यार ने पिघला कर मोम बना दिया है।